मैं सबके लिए ब्रांड एम्बेसडर हूँ। आप मुझे राजस्थान में बुलाएंगे तो भी मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा, गुजरात बुलाएंगे तो भी बन जाऊंगा, पंजाब बुलाएंगे तो भी, मेरा कोई कलर नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स। मैं बहुत साल पहले से भी लगा हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, अभी भी लगा हूँ। हम सिर्फ दिल्ली में नहीं बच्चों को पढ़ाते, हम देश भर में बच्चों को पढ़ाते हैं। आप कहीं से भी बुलाएंगे, कोई भी सरकार मुझे बुलाएगी हेल्प करने के लिए बच्चों के, सो आई एम देयर फॉर देम, और मैं आई विल मेक श्योर कि वहां पहुंचूंगा। ट्वीट के जरिए आपने जो संदेश जो है इनकम टैक्स की आपकी तरफ लोग आए और कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर बने। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आई डोंट बिलीव, और मुझे लगता भी नहीं कि मुझे इस चीजों के बारे में सोचना चाहिए। उससे बड़े मुद्दे आपने देखा ही है, यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए, आई थिंक वो एड्रेस करना जरूरी है। ये तो ठीक है, ये तो समय है, चलता रहेगा, ये भी बीत जाएगा, दूसरा समय आएगा, बट आई थिंक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। जो ट्वीट आपने किया है उसके जरिए आपने मतलब चैरिटी फाउंडेशन के 19 करोड़ की बात की, जो जुलाई से लेकर 2020 तक अप्रैल तक जो 19 करोड़ के जमा किए उसमें सिर्फ लोगों की सहायता के लिए सिर्फ 2 करोड़। जो सबसे बड़ा सवाल आज यही हो गया कि मैं एक छोटा सा बताता हूँ, देखो मैं आई वॉज नॉट सपोज टू स्पीक, पर मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ। हर फाउंडेशन के अंदर, खासकर मेरी फाउंडेशन के अंदर, मैक्सिमम जो फंड्स आते हैं वो मेरे खुद के, जो मैं एंडोर्समेंट के फीसेस बोलता हूँ ब्रांड्स को देने के लिए, वो रहते हैं। और दूसरी, कोई भी फाउंडेशन को समय लगता है खर्च करने में, ओवरनाइट नहीं होता। और एज पर रूल्स ऑल्सो जो 1-2 साल जितने समय लगते हैं उतने हमारा भी प्रोसेस भी आप देखेंगे और कम हो जाएंगे इसमें, कल देखेंगे और कम हो जाएंगे। जब कोई बंदा मेहनत से 1 रुपया भी देता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही जगह पर जाए। वो उन्होंने कंधे पर हमारी जिम्मेदारी दी है। एक अंधी लड़की 3,000 रुपये अपनी पेंशन मुझे महीने की अगर उसने दी है एक दफा, तो 3,000 मेरे लिए 3 करोड़ के बराबर है। आई हैव टू मेक श्योर कि वो सही जाए। हर फाउंडेशन में टाइम के हिसाब से खर्च होता है, जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि आज आया कल खत्म हो गया। अभी उसमें सिर्फ 4 महीने हुए हैं, 1.5 साल 2 साल लगते हैं खर्च होने में। मेरी इच्छा हॉस्पिटल बनाने की है कि सोनू सूद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम ऐसे ही चलता रहना चाहिए। दैट्स द आइडिया, दैट्स द विजन आई हैव। ये नहीं है कि यहाँ पे 10 लोग आगे जितने मेरे पास, ऐसे हॉस्पिटल होने चाहिए ये लोग आए पहुंच जाओ वहां पे, और आप देखेंगे जब नेक्स्ट टाइम मुझे गए वही हो रहा होगा। सो द आइडिया इज टू मेक इट बिगर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और वही मेरी कोशिश है। एंड आई थिंक यू विल सपोर्ट मी इन दिस, और हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। नॉट इवन ए सिंगल पेनी, 1 रुपया भी मेरे अकाउंट में नहीं आया, कोई ले भी नहीं सकता। अगर आप किसी और की हेल्प करते हैं तो आप, आपके पास नहीं आ सकता। उन जितने प्लेटफॉर्म से रहते हैं वहां से सीधा गरीबों के पास ही जाता है। एक नहीं 1500 से 2000 प्लेटफॉर्म से ऐसे मिला इम्पैक्ट ग्रुप। हर जो हमारा रेज हुआ है फंड वो हिंदुस्तान भी नहीं आया, वो भी अमेरिका में। अगर हम किसी को मेल लिखते हैं कि भैया इसका ऑपरेशन कराओ, तो वहां से डायरेक्टली जाता है हमारे अकाउंट में, हमारी फाउंडेशन के अकाउंट में, हमारी किसी प्रधान में। ना तो हम ले सकते हैं और ना कोई भी ले सकता है। सो इट्स ऑल, ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन गिवन, और ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच यार, एंड आई विल मीट यू ऑल पर्सनली यार, गॉड ब्लेस यू यार, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।